स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पेंक्रियास एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों के रूप में जानते हैं। ये एक त्रिकोणीय संरचना होती है जो कि एक ड्यूडिनम के लूप के अंदर पाई जाती है। इसमें दोनों प्रकार की जो सेल्स है वो उपस्थित होती है। कुछ सेल्स जो होती है वो एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है और इनके द्वारा एंजाइम्स का श्रावण किया जाता है जो कि पेंक्रियाटिक जूस के रूप में आहारनाल पे पहुंचकर भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन जो सेल्स होती है उनके द्वारा विशेष प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं जो सीधे ही ब्लड के अंदर मिक्स किए जाते हैं और टारगेट कोशिकाओं पर जाकर के अपनी एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। जो इसमें जो ACNI जो सेल्स हैं उनके द्वारा एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है और ये एक्सोक्राइन प्रोडक्ट के रूप में आहारनाल में पहुंचते हैं। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रियाटिक आइलेट्स जो है उनके द्वारा हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है जिसके द्वारा फ्यूल स्टोरेज और जो उनका उपयोग है उसके अंदर ये हार्मोन्स महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं, कि इसकी जो खोज है वो 1869 के अंदर पॉल लैंगरहैंस के द्वारा की गई, जो एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था। इन लैंगरहैंस द्वीप में चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा सेल्स, इनके द्वारा ग्लूकागोन का श्रावण किया जाता है। बीटा सेल्स, इनके द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। डेल्टा सेल्स, इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। तथा पीपी सेल या एफ सेल्स, जिनके द्वारा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है उनका श्रावण किया जाता है। इंसुलिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका श्रावण पेंक्रियास के द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन की खोज बेंटिंग एंड जोहन के द्वारा 1923 में की गई और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जनवरी 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन ने एक 14 साल के बच्चे में डायबिटीज़ के हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया था और उसी को इंसुलिन का इंजेक्शन इनके द्वारा दिया गया था। इंसुलिन का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है और ये दो जो टारगेट ऑर्गन्स है उसके ऊपर क्या करता है। पहला जो टारगेट ऑर्गन है वह है लीवर। लीवर के अंदर इसके द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित किया जाता है तथा ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन के रूप में भी इंसुलिन की देखरेख में ही किया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक स्टोरेज रूप होता है जो कि लीवर के अंदर संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट किया जाता है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोका जाता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट किया जाता है, यानी कि उनको भी रोका जाता है। मतलब कि जो ग्लूकोज जो है नया ग्लूकोज बनने को उसको इंसुलिन के द्वारा रोका जाता है। मसल्स के अंदर इसके द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाया जाता है तथा जो ग्लाइकोजन है उसकी स्टोरेज को मसल्स के अंदर इंसुलिन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार हम लीवर तथा मसल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसका नियंत्रण जो है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव होता है उसको अपन देखते हैं कि ये अमीनो एसिड्स की एंट्री को मसल्स के अंदर बढ़ा देता है और इसके द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसको बढ़ाया जाता है, यानी कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। इसमें प्रोटियोलाइसिस को रोका जाता है, यानी कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन को रोका जाता है और ग्लाइसोसोमल एक्टिविटी है उसको भी कम किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रोटीन की सिंथेसिस को जो इंसुलिन है उस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके द्वारा फैट की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है तथा ये लिपोलाइसिस को इस हार्मोन के द्वारा
इनहिबिट किया जाता है और ये लिपिड के प्रति सेंसिटिव होता है। ये लिपोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है और लिपोप्रोटीन प्रोटीनेस के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है, टारगेट जो कोशिकाएं होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे इंसुलिन हार्मोन बाइंड होता है और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सेल मेम्ब्रेन बाइंड होने के बाद साइटोप्लाज्म में इसके द्वारा सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। दूसरा हार्मोन जो कि पेंक्रियास के द्वारा स्रावित होता है वो है ग्लुकागॉन। ग्लुकागॉन का जो स्रावण है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो ये कोशिकाएं जो है आइलेट को क्लिंगर हेड के अंदर ही पाई जाती है और ये इनके आल्सो सीक्रेट ए सेल्स ऑफ स्टोमिक एंड एल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी कि ये जो ग्लुकागॉन है जो स्टोमक की ए सेल्स के द्वारा तथा इंटेस्टाइन की एल सेल्स के द्वारा भी ग्लुकागॉन का स्रावण किया जाता है। ग्लुकागॉन का मुख्य कार्य ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइजिनेसिस को इनहिबिट किया जाता है। मतलब कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ब्लड के अंदर ग्लुकागॉन बढ़ाता है और ये लिपोलाइसिस और कीटोजिनेसिस को प्रमोट करता है, यानी उसको भी बढ़ाता है और कैलोरोजिनेसिस को ये बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ग्लूकागॉन के द्वारा बढ़ाई जाती है। ये गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट करता है, साथ ही बाइल का श्रवण जो है उसको लीवर से जो लीवर लीवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन और उसके सिक्रेशन को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। थर्ड जो हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेनिन। ये डी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और ये हाइपोथैलेमस तथा जीआईटी की रेगुलेशन के अधीन का स्रावण किया जाता है और इसके द्वारा जो है इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम किया जाता है और साथ ही जो जीआई ट्रैक्ट है यानी गेस्टो इंटेस्टिनल जो कैविटी है उसके अंदर जो मोबिलिटी है उसकी जो गति है उसको कम किया जाता है और जीआई सिक्रेशन को बढ़ाया जाता है। जीआई सिक्रेशन को भी इनहिबिट किया जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। देखो डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह रोग के बारे में आप सबने अच्छी तरह से सुना होगा और हम इसके बारे में काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं। डायबिटीज़ जो मेलिटस है इसी को ही मधुमेह रोग कहते हैं और ये जो टर्म है थॉमस विलिस के द्वारा की गई डिस्कवर की गई थी और ये 1675 के अंदर जो यूरिन के अंदर ग्लूकोज की जो उपस्थिति है उसके आधार पर इन्होंने ये जो यूरिन की स्वीटनेस है उसके संदर्भ को लेकर के इन्होंने ये टर्म डायबिटीज़ मेलिटस को कॉइन किया था। और ये एक सीरियस प्रकार का डिसऑर्डर है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है और मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। यानी कि इस रोग के बारे में सीधा 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 ये जानते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन से रिलेटेड यदि किसी को ये पूछा जाए कि कौन सा रोग है तो सीधे ही डायबिटीज़ का नाम लिया जाता है। ये इतना मोस्ट कॉमन डिजीज़ है और ये इंसुलिन के कम स्रावण के कारण उत्पन्न होता है, मतलब या उसकी हाइपो एक्टिविटी के कारण होता है। यानी यदि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित लेवल से कम स्रावित की जाती है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है बढ़ती ही जाती है, इसी को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और अंततः ये ग्लूकोज जो है किडनी के माध्यम से यूरिन के अंदर पहुँचता है। डायबिटीज़ मेलिटस के 3 लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पोली यूरिया मतलब कि यूरिन आउट ह्यूज आउटपुट, बार बार मूत्र का आना। पोलीडिप्सिया इसमें एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पोलीफेजिया एक्सेसिव भूख और फूड जो कंजप्शन है वो किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार यूरिन आते हैं। ये डायबिटीज मेलिटस के लक्षण होते हैं।
डायबिटीज़ मेलिटस दो प्रकार की होती है। टाइप फर्स्ट, इसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ऐसी डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की कमी के कारण उत्पन्न होती है या इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसका टाइप फर्स्ट कहते हैं। तथा दूसरी प्रकार की जो टाइप टू है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, यानी कि वो इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये जो अंतर है वो अपन इसमें देख सकते हैं टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड के अंदर। देखो, सब जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसका टाइप फर्स्ट है केवल 10% जो है रोगी पाए जाते हैं, और टाइप सेकंड के लगभग 90% रोगी टाइप सेकंड के पाए जाते हैं। और इसमें जो टाइप फर्स्ट है वो 40 साल की एज से पहले पहले कि रोगी देखे में ये रोग उत्पन्न होता है, जबकि जो टाइप सेकंड है वो 40 के बाद की एज वाले जो मनुष्य हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। और डायबिटीज़ मेलिटस के जो और लक्षण जो है वो अपन देख सकते हैं, जैसे पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है, पोलीफेजिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, कीटो एसिडोसिस है, हाइपर लिपोडीमिया है, मसल वास्टिंग है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीशन है, ये सब हार्ट लक्षण जो है डायबिटीज़ मेलिटस के होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसमें साथ साथ में इसके साथ में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो सकता है यानी नज़र वगैरह कमज़ोर हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटीज़ के कारण किडनी जो है उसके अंदर भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी यानी कि जो नर्व सेल्स है या नर्व सिस्टम है उसको भी एडवर्सली इफेक्टेड हो सकता है, और पीरिडोटिटिस भी इसके अंदर डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर देखा जा सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस को अपन कैसे पता चले कि डायबिटीज़ मेलिटस के टेस्ट के लिए अपन क्या, जो इस पर फास्टिंग शुगर जो होती है, ब्लड शुगर होती है वो मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर होती है, और रेंडम ब्लड शुगर जो है वो मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर हो सकती है, ग्लूकोज की टोलरेंस है वो 200 mg पर लीटर डेसीलीटर से अधिक हो सकती है, ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 6.5% डायबिटीज़ के रोगी के अंदर पाया जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर जो तीन प्रकार की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है इसमें अपनी जाती है, जैसे इंसुलिन थेरेपी है, इंसुलिन जो है बाहर से इंजेक्शन के रूप में टेबलेट्स के रूप में पेशेंट को दिया जाता है, और ओरल हाइपोग्लाइसिमिया एजेंट यानी कि ऐसे जो एजेंट जिनके अंदर ग्लूकोज कम मात्रा के अंदर उपस्थित होता है वो दिए जाते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, ये अपना आज का जो लेक्चर था वो पिंक्रियाज से स्रावित होने वाले जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस तरह से बॉडी को में क्या क्या फंक्शन करता है, डायबिटीज़ मेलिटस क्या होती है, इसके बारे में था। और